अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत का मुज़ाकरा चल रहा है तकिए के मुतालिक। मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 सुन्नतें। सुन्नत नंबर 1, तकिए का इस्तेमाल सुन्नत है। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तकिए पर टेक लगाए हुए देखा गया जो बाएं जानिब था। चुनाचे फरमाते हैं, तकिया दाएं बाएं दोनों जानिब हर एक सूरत जायज़ है। सुन्नत नंबर 2, मेहमान को तकिया पेश करना सुन्नत है। सुन्नत नंबर 3, घर में तकिया लगाकर बैठना सुन्नत है। सुन्नत नंबर 4, बालों वाला तकिया सुन्नत है। सुन्नत नंबर 5, चमड़े का तकिया सुन्नत है। सुन्नत नंबर 6, तकिए में घास असहर को भरवाना सुन्नत है। सुन्नत नंबर 7, सोते वक्त तकिए का इस्तेमाल सुन्नत है। सुन्नत नंबर 8, मजलिस में तकिए पर टेक लगाकर बैठना सुन्नत है। आलिम और कायद के लिए गुंजाइश है कि मजलिस में टेक लगाकर बैठे, ये उजब और किब्र की बात नहीं। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीक़ा मनकूल है वो इससे महफूज है। सुन्नत नंबर 9, मेहमान को इकरामन तकिया पेश करना सुन्नत है। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उजब और तकबर नहीं ये बात कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान के पास आया हुआ हो वो उससे इकरामन तकिया पेश करे, मगर ये कि उसकी मगफरत हो जाती है। सीरतुल शामी। सुन्नत नंबर 10, चादर या किसी कपड़े का तकिया बनाकर इस्तेमाल करना सुन्नत है। चादर या किसी कपड़े का तकिया बनाकर इस्तेमाल करना सुन्नत है। एक साहबी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हम लोग जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में अपनी चादर पर टेक लगाए हुए तशरीफ़ फरमाते। हम लोग जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में अपनी चादर पर टेक लगाए हुए तशरीफ़ फरमाते। मसाला, ज़रूरत की बिना पर मस्जिद में भी तकिया या किसी कपड़े का सहारा लेकर बैठा जा सकता है। अल्लाह सुबहान ताला हम इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।